हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से, जो कि है एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, बजाज फाइनेंस से रिलेटेड एक और हम लोगों को बुरी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे निराश हो जाते हैं। सर, बुरी खबर रहेंगी तो प्लीज़ उसको कवर मत कर लेना, क्योंकि उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। सो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसका सबसे ज़्यादा कोई अगर इस मेंटेलिटी का मतलब, अगर आपको लगता है कि आप कोई भी शेयर में निवेश करते हो एंड उससे रिलेटेड कोई एडवर्स न्यूज़ आ जाती है, ख़राब न्यूज़ आ जाती है, एंड इससे अगर आप भागना चाहते हो तो आपको बहुत भारी भरकम नुकसान हो सकता है। सो बेस्ट एग्जांपल इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, येस बैंक में सबसे ज़्यादा नुकसान इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग इग्नोर कर रहे थे न्यूज़ को। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है कि यहाँ पे लाखों रुपया मेरे भी इस शेयर में लगे हुए हैं। बट इवन दो आप सभी लोग बताएं, स्टॉक मार्केट में अगर आप रहोगे तो आप लोगों ने हर एक न्यूज़ का एनालिसिस करना चाहिए। वो न्यूज़ कैसी भी हो, अगर पॉजिटिव भी हो जाए तो आप लोगों ने ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा। एंड अगर नेगेटिव भी आ जाती है तो भी आप लोगों ने ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, आप लोगों ने चेक करना चाहिए उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बजाज फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे क्या न्यूज़ आई है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत तो हम लोग बजाज फाइनेंस के यहाँ पे चार्ट पैटर्न से ही करेंगे। निफ्टी 50 से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा दिग्गज शेयर है। आज जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स भागे हैं, सो इस शेयर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिला है। लगभग 2% से भी कम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, सिर्फ 40 पॉइंट से यहाँ पे हम लोग कह सकते एक उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2250 तक हम लोग को ये शेयर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, स्टॉक तो अभी भी यहाँ पे फिलहाल प्रेशर में है। बट जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, इसके जो टारगेट है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि खरीदना कब है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर आपको खरीदना है 2000, उसके बाद 1740 जो कि ऑलरेडी आप लोगों को टारगेट, इतने बड़े दिग्गज ब्रोकर ने, रेटिंग एजेंसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बता रही है, वो भी टारगेट है। एंड उसके बाद आप चाहो तो 1500 तक भी इस शेयर को ऐसे 3 ट्रांचेस में खरीद सकते हो। बट उससे पहले हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू लेते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस का आज का परफॉर्मेंस भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, 7th of April, सो 23% के आसपास यहाँ पे डिलीवरीज उठाई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इंट्राडे का परफॉर्मेंस देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। प्रीवियसली जो पे ये क्लोज हुआ था 2207 पे हुआ था, ओपन हुआ था 2245 पे, हाई इसने लगा दिया था 2286 का एंड लो इसने बना दिया था 2081 का। सो ये सारी परफॉर्मेंस है हम लोग जो बजाज फाइनेंस पे यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं। तो बजाज फाइनेंस से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे ब्रेनस्टीन ने उनका जो टारगेट था वो भी कट कर दिया था, अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे बता दिया था, जो कि आप सभी लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया है कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 64% डाउन बता दिया था। 1740 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे उन्होंने बता दिया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। सो ये तो थी पुरानी न्यूज़। उसी के साथ साथ उसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग को अच्छी न्यूज़ भी देखने को मिली थी, जो कि एक यहाँ पे एमके ग्लोबल ने यहाँ पे कहा था कि बजाज फाइनेंस अगर आपके पास है तो आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एंड उसका टारगेट 2331 दिया था, 2300 के ऊपर यहाँ पे बता दिया था, एंड आप लोगों ने उसके लिए ये टारगेट के लिए 12 मंथ होल्ड करना चाहिए, ऐसे एमके ग्लोबल ने यहाँ पे बता दिया था। एमके ग्लोबल ने ये भी बता दिया था कि वो क्यों यहाँ पे बजाज फाइनेंस को लेके बुलिश है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो सिचुएशन है उससे बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रूर ख़राब होगा, बट कंपनी एज सच लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हर एक एमबीएफसी हम लोग देखते हैं, इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उनमें भी हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ ना सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। सो अगर बजाज फाइनेंस 60% गिरता है तो उनके कॉम्पिटिटर्स भी गिरेंगे। सो ये बात आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए कि अच्छा खासा शेयर आप लोगों ने यहाँ पे खरीदने की मौका मिल रहा है, एंड इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बता दी थी। सो दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें थी हिस्ट्री से रिलेटेड, आप सभी लोगों को पता थी। एक थी बुरी न्यूज़, 1740 तक टारगेट बताया जा रहा था। एक न्यूज़ ऐसी थी जो कि बता रही थी कि 2300 तक ये स्टॉक जा सकता है, एंड अभी और एक न्यूज़ आई है जो कि हम लोग ज़रूर कवर करेंगे, चाहे वो कितनी भी बुरी हो या फिर अच्छी हो, आप सभी लोगों को पता है। एंड यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे एंड समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहली बात, क्या ये न्यूज़ एक्सटर्नल इशू से रिलेटेड है या फिर इंटरनल इशू से रिलेटेड है? तो पहले बताना चाहता हूँ, इंटरनल इशू नहीं है। इंटरनल इशू मतलब आप सभी लोग पता है कि सिर्फ कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, उनके कॉम्पिटिटर के यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, न्यूज़ एक्सटर्नल है, एंड फिलहाल थी एक्सटर्नल न्यूज़ आप सभी लोग पता है वो है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, बजाज फाइनेंस यहाँ पे लगभग 3.5 लाख अकाउंट्स यहाँ पे गवा चुका है। यस दोस्तों, पिछले 10 दिन की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लॉस अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख अकाउंट्स, एंड अगर हम लोग अमाउंट्स की बात करें लगभग 4750 करोड़
तक का यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम लोग AUM बोलते हैं, इन द लास्ट 10 डेज ऑफ अ मार्च आफ्टर द नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज एन अनाउंस। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड रीज़न वापस बताना चाहता हूँ, लॉकडाउन ये कंपनी का कोई खुद का मामला नहीं है इंटरनली, ये एक्सटर्नली था जो कि सरकार ने डिसीजन लिया। सो लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 10 दिनों में हम लोग कह सकते हैं बजाज फाइनेंस कल लगभग 4,750 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि 3.5 लाख तक के उनके कस्टमर यहाँ पे जा चुके हैं। असेट अंडर मैनेजमेंट की ये बात हो रही है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या ये सिर्फ बजाज फाइनेंस में ही ऐसी प्रॉब्लम है? ऐसी नहीं दोस्तों, हर एक कंपनी में ऐसी प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। जबकि इनके Q4 के रिजल्ट आएंगे, आप सभी लोगों को पता है सारे कंपनीज के रिजल्ट हम लोगों को ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे बजाज फाइनेंस के जो दिग्गज हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है जो सारा बिजनेस है, जब फाइनेंस कंपनी सेड इट्स एक्सपेक्ट अ डिमांड टू रिवाइव, जो बजाज फाइनेंस का जो डिमांड है लोन से रिलेटेड एंड ऑल दैट, जो फैसिलिटी फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, वो डिमांड सब कुछ रिवाइव होने के लिए जुलाई तक यहाँ पे टाइम लग सकता है। एंड अगर हम लोग बिजनेस की नॉर्मलाइज मतलब नॉर्मल बिजनेस वापस ट्रैक आने के लिए लगभग अक्टूबर तक का मंथ यहाँ पे स्ट्रेच हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं वापस ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं, NBFC रिपोर्टेड मतलब बजाज फाइनेंस की बात करिए, अ मेयर अ 2% ग्रोथ इन इट्स असेट अंडर मैनेजमेंट टू द ₹1.47 trillion एट द एंड ऑफ मार्च एट्स अगेंस्ट द 1.45 trillion इन द प्रीवियस क्वार्टर। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोगों को गिरते हुए देखने को भी मिल सकता है, जो कि अगर आप आगे भी पढ़ोगे, द ग्रोथ ऑफ AUM हैज स्लोवेड टू द 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर टू द 40% ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। सो पहले 40% तक का हम लोग को ग्रोथ AUM में देखने को मिलता था, जो कि अभी गिर के 27% तक आ सकता है। रीज़न बार बार वही बोलूँगा, कंपनी में कोई दोष नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन। इसका अर्थ यही है कि इसके जैसी जितनी भी कंपनीज है हम लोगों को सेम गिरावट देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे जाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था हर एक दिन के वीडियो में मेरी ये बात ज़रूर जिक्र होती थी, वही चीज़ यहाँ पे एनालिसिस ने भी बताई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एनालिसिस ने यही कहा है कि फिलहाल की सिचुएशन ये कम्प्लीटली बिजनेस के सीनारियोज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब द मैनेजमेंट लेट डाउन अ 3 बिजनेस सीनारियोज़ डिपेंडिंग ऑन द लिफ्टिंग ऑफ द लॉकडाउन डेडलाइन। सो मैं बार बार आप लोगों को ये बता चुका हूँ, यहाँ पे 3 सीनारियोज़ यहाँ पे देख सकते हो, वापस मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, 3 सीनारियो यहाँ पे बता दिए। 3 सीनारियो किससे रिलेटेड, यहाँ पे लॉकडाउन से रिलेटेड, लॉकडाउन लिफ्टिंग ऑफ अ लॉकडाउन डेडलाइन, लॉकडाउन कब हटेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये बजाज फाइनेंस खुद यहाँ पे सामने आके ये सारी चीज़ें बता रहे, एनालिसिस सारी चीज़ें बता रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी की कंपनीज इससे छूटने वाली है, हर एक कंपनी को हम लोगों को ये चीज़ फेस करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे इजीली एनालिसिस ने बताई है कि अकॉर्डिंग टू द सीनारियो 1, मतलब सीनारियो 1 अगर हम लोग पकड़ लेते हैं लॉकडाउन से रिलेटेड, लॉकडाउन इज अ शिफ्टेड ऑन द 14th अप्रैल। अगर हम लोग यहाँ पे कहते हैं इफ़ द लॉकडाउन इज अ लिफ्टेड ऑन द 14th अप्रैल, मतलब 14 अप्रैल आप सभी लोग पता है जैसे मोदी जी ने कहा था 21 दिन का लॉकडाउन होने वाला है। सो 21 दिन का लॉकडाउन 14th अप्रैल को ही अगर हट जाता है तो कंपनी यहाँ पे बता रही है कि जो उनका जो रिटर्न है वो 60% ऑफ एन नॉर्मलाइज बिजनेस वो मई तक यहाँ पे हो सकता है एंड 100% सितंबर तक हो सकता है। सो वापस बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 14th अप्रैल को लॉकडाउन हट जाता है सो कंपनी बता रही है हमारी बिजनेस नॉर्मल होने के लिए यहाँ पे लगभग सबसे पहली बात 60% मई में हो जाएगा एंड बचा हुआ 100% हम लोग कह सकते हैं सितंबर तक बजाज फाइनेंस नॉर्मल हो जाएगा अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल को यहाँ पे हट जाता है तो। एंड आप सभी लोग पता है इसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, बट स्टिल हम लोग इसको कंसिडर ज़रूर करें। सो ये था सबसे फर्स्ट सिनेरियो जो कि मुझे हाईली इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन को देख के। सो सेकंड सिनेरियो आप देख सकते हैं, इफ़ द लॉकडाउन इज एन शिफ्टेड ऑन अ 30th अप्रैल, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था एंड मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस है, गलत भी जा सकती है, कि शायद से और 15 दिन के लिए मतलब ये अप्रैल का मंथ तो पूरा लॉकडाउन में जा सकता है ऐसा मुझे लगता है। एंड सेकंड सिनेरियो हाईली पॉसिबल है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इफ़ द लॉकडाउन इज एन शिफ्टेड ऑन अ 30th अप्रैल, मतलब 14 अप्रैल को मोदी जी आके बताएंगे कि और 16 दिन तक लॉकडाउन ज़रूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो NBFC ने मतलब बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है टू रिटर्न टू फुल नॉर्मलिसी बाय द अक्टूबर, मतलब हम लोग कह रहे थे कि कंपनी नॉर्मल होने के लिए जो बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है उनका लगभग अक्टूबर तक का मंथ उनको ज़रूर लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों ने मिस आउट नहीं करनी चाहिए। एंड अगर हम लोग कहते कि थर्ड सिनेरियो और एक है, थर्ड सिनेरियो मतलब इफ़ द लॉकडाउन इज एन लिफ्टेड
ऑन द 15th मई, मतलब और 15 दिन, अगर अप्रैल ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर इंडिया की स्थिति नहीं सुधर जाती है एंड अगर ये और 15 दिन का एक्सटेंड हो जाता है एंड 15th मई तक चला जाता है, द कंपनी इज एन एक्सपेक्टेड टू डू जीरो बिजनेस इन अप्रैल एंड मे विद द रिटर्न टू द नॉर्मलसी बींग पुशेड टू द 4th quarter ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। सो ये बहुत ही बुरा होगा, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा वो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। हम लोग कह सकते हैं जो नया फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसकी शुरुआत अप्रैल मई जून हम लोग को कोई भी बिजनेस होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एंड बिजनेस को नॉर्मल होने के लिए, बजाज फाइनेंस को नॉर्मल होने के लिए और भी लंबा समय यहाँ पे लग सकता है अगर थर्ड सिनेरियो होता है, अगर 15th मई तक अगर ये लॉकडाउन शिफ्ट हो जाता है तो वापस कर रहा हूँ, ये सिर्फ बजाज फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, हर एक किस्म की कंपनी को इस चीज़ों का फेस यहाँ पे सामना करने को पड़ने वाला है। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस ने और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिए, इवन दो उन्होंने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, उससे पहले ये बता दिए, इन इट्स क्वार्टरली अपडेट रिलीज टू द स्टॉक एक्सचेंज बजाज फाइनेंस हैड क्लैरिफाइड दैट इट इज़ एन असर्टेनिंग द नीड फॉर अ वन टाइम प्रोविजन अगेंस्ट द सर्टन लार्ज अकाउंट्स। सो ये वन टाइम प्रोविजन है, आप सभी लोग पता है ये बार बार नहीं आता है। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने जरूर याद रखनी है अगर फिलहाल का लॉकडाउन ऐसे ही चालू रहा। सो आने वाले रिजल्ट में हम लोगों को मैसिव गिरावट देखने को मिलेगी, बट उसमें हम लोगों को वन टाइम प्रोविजन को ज़रूर नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार तो नहीं आता है। फिलहाल की सिचुएशन, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी विच इज़ डिस्टिंक्ट दैन ऑर्डिनरी, बार बार नहीं होती है, बार बार आग नहीं लगता है, बार बार कोरोना वायरस नहीं होता है। सो ऐसी सिचुएशन हर वक्त नहीं होती है, बट फिलहाल की चीज़ों को देख के ये वन टाइम प्रोविजनिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में भी तब्दील हो सकता है। सो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी चाहिए, इसको नोट डाउन करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसी के साथ साथ बजाज फाइनेंस ने और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जैसे कि देयर विल बी द नो ब्रांच एक्सपांशन, कोई भी ब्रांच को बढ़ाने का यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे फिलहाल तो नहीं रखा जाएगा। नो न्यू हायरिंग एंड 80% कट इन अ ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे जो चीज़ें हैं खर्चा बचाने का है फिलहाल, तो क्योंकि इनकम तो नहीं हो रही है। लॉकडाउन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपने अभी तो देख लिया 4,750 करोड़ AUM कंपनी का लॉस में जा चुका है सिर्फ 10 दिन में, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन। सो जितना हो सके कंपनी यहाँ पे सेव करने की कोशिश ज़रूर करेगी। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी कंपनीज को फटका भी लगा है, आप सभी लोगों को पता है EMI से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, द कंपनी हैज ऑलरेडी गिवन अ मोरेटोरियम ऑन अ लोन रीपेमेंट टू द नियरली 12 लाख आउट ऑफ द टोटल 2 करोड़ बोरोअर्स। सो कंपनी के अगर हम लोग कस्टमर बेस देखें तो 2 करोड़ लोगों ने यहाँ पे कस्टमर से फाइनेंस उठाया हुआ है, लोन लिया हुआ है, एंड उसमें से 12 लाख ऐसे लोग हैं जो कि जेन्यूनली उनको EMI से रिलेटेड यहाँ पे जो डिले है मोरेटोरियम देने की ज़रूरत वाकई में है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं जिससे कंपनी का पेमेंट है वो डिले हो जाएगा, इंटरेस्ट डिले हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी दिग्गज NBFC कंपनी यहाँ पे दिक्कत में आती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड वैसे यहाँ पे बजाज फाइनेंस जैसी अन्य कंपनी ने भी यहाँ पे RBI से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके लिए रिलीफ ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। सो यही के बताना चाहता हूँ वापस, इवन दो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, आप लोगों ने हर एक न्यूज़ को ज़रूर कवर करना चाहिए, चाहे वो आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे। सो फिलहाल आज की न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, पिछली न्यूज़ देखी थी जो कि MK ग्लोबल ने बताया था कि बजाज फाइनेंस आपने होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर आने वाला जो संकट है वो क्या सिर्फ बजाज फाइनेंस के ऊपर नहीं, हर एक कंपनी के ऊपर आने वाले, उनके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी आने वाला है। सो बजाज फाइनेंस को अगर आप होल्ड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बट उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज की एक न्यूज़ जो कि थोड़ी सी ज़रूर नेगेटिव है, जो कि बजाज फाइनेंस की जो यहाँ पे बिजनेस है उसको अफेक्ट कर रही है, उसको AUM है जो यहाँ पे लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अ लॉकडाउन। ये मैं हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा, कंपनी में इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है। सो हर एक कंपनी जो NBFC सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो कि हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस भी करती है या फिर फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज देने वाली कंपनी, उन सारी कंपनी में हम लोगों को सिमिलर काइंड ऑफ इशू देखने को मिलने वाला है। सो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको बजाज फाइनेंस खरीदना है तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आ चुकी है, 60% स्टॉक डाउन ही है, बट स्टिल अगर आप इसको 3 ट्रांचेस में खरीदना चाहते हो, 3 टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं, तो 2000, उसके बाद बेस्टिन ने जो टारगेट बताया 1740, इतनी बड़ी कंपनी, दिग्गज ब्रोकर अगर हम लोग बात करें, रेटिंग एजेंसी सारी की अगर हम लोग बात करें तो ये टारगेट बता रहे, एंड उसके बाद 1500, ये 3 लेवल पे अगर आप बाइंग करके चल जाओगे, सो उसके बाद आप लोगों ने होल्ड करना है, आपको ज़रूर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। सो वापस कह रहा हूँ कंपनी ख़राब नहीं है, बट फिलहाल की सिचुएशन जैसे मैंने आप लोगों को बार बार बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यू टू लॉकडाउन मतलब ये कारण ही है लॉकडाउन से रिलेटेड, एंड 3 सिनेरियो भी मैंने आपको बता दिए। सो ये सिनेरियो भी आप लोगों ने स्टडी करनी है, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बताया कि अगर 14th को अगर ये नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं सितंबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा,
अगर ये 30th अप्रैल तक एक्सटेंड हो जाता है लॉकडाउन, तो अक्टूबर आ जाएगा कंपनी को, एंड अगर 15th मई हो जाता है तो अक्टूबर के बाद हम लोग कह सकते हैं नवंबर दिसंबर भी कंपनी को लग सकता है कंप्लीटली बिजनेस को ट्रैक पे लाने के लिए। ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी। सो ज़रूर बता देना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।